नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बीपीटीपी पुलिस स्टेशन। आप देख सकते हैं सामने पुलिस स्टेशन है और हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या है बात वो जानेंगे, क्या समस्या है, क्यों आज यहाँ आए हैं इनसे पता करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या हुआ, आज यहाँ क्यों आए? जी मेरे पति ने 3 दिन पहले मेरे साथ मारपीट किया, अपने भैया के साथ मेरी बेटी को छीन के लेके गया मेरे से। और मेरे पति का नाम सुशील है। कहाँ रहते हैं? सोनीपत। हाँ। और फिलहाल कहाँ रह रहे थे? अभी सोनी यहाँ रह रहे थे हम, फरीदाबाद हरिनगर पार्ट 3 में। तो आप साथ में ही रह रहे थे? हाँ जी, हम दोनों साथ में रह रहे थे 8 महीने से हम यहाँ पे थे। 4 महीने 5 महीने हम काफी अच्छे रहे। वो अपने मम्मी पापा से बात करने लगे, तब से रोज तीसरे दिन मारपीट, घर से निकालना, बच्ची को छीनना। अभी पिछले सैटरडे को मुझे घर से निकाला था उन्होंने मुझे, फिर मेरे भाई और मेरे माँ बाप मुझे लेके आए थे, फिर अभी उन्होंने मुझे परसों फिर से मारा है, मेरी बच्ची को छीन के लेके गया है। 3 दिन से मैं यहाँ हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपनी बच्ची के लिए इधर आई थी रिपोर्ट के लिए, मेरे घर से गाड़ी लेके गए हैं मेरे बाप की। अच्छा, और मेरी चीज थी। हाँ जी। तो बच्ची कितनी बड़ी है? 1 साल की मेरी बेटी। 1 साल की। हाँ जी। तो यहाँ जब रह रहे तो वहाँ घर से कैसे, घर से वो छोड़ छाड़ के आए? सासू ने मारपीट करके जी बाहर निकाला था 8 महीने पहले दोनों को। हाँ जी। तो यहाँ दोनों किराए पे रह रहे थे? हाँ जी, रेंट पे रह रहे हैं हम। ठीक है, तो सब सही चल रहा था? सही बिल्कुल चल रहा था जी, 5-6 महीने बिल्कुल ठीक चला। जब से अपने मम्मी पापा से बात कर रहा है तब से रोज मारपीट करता है, कभी घर से निकालता है, कभी बेटी को छीनता है। अच्छा, और बोलता है कि अपने माई के मज्जा इनसे ताल्लुक तोड़ दे। फिर पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, ससुराल वाले मुझे धक्का मार के निकाल देते हैं, पीहर में जाऊँ ना, इस पे मैं रोज तीसरे दिन पीटूं। माई के जाने के लिए तो वैसे ही नहीं आए, हम तो साथ में रहने के लिए आए हैं। जब वहाँ ससुराल नहीं ले जाओगे अपने साथ रखो, हमें क्या दिक्कत है? नहीं रख रहे जी, मैं अब 3 दिन से यहाँ आई हूँ, यहाँ मेरी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मुझे बोल देते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं बन रहा उनपे, उनकी बेटी थी वो ले गए अपनी बेटी। 1 साल की हक नहीं है उस बेटी पे। 9 महीने मैंने उसे पेट मेरा कहा, 1 साल के मेरा दूध पीती है वो अभी। 1 साल की बच्ची है। तो बच्ची कहाँ, यही हुई थी या वही थी? वो सोनीपत में है जी। सोनीपत में। हाँ जी पैदा। हाँ जी वही सरकारी हॉस्पिटल में, वही सरकारी हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार है यहाँ, माँ भाई सभी यहाँ मौजूद हैं, और 1 साल की बच्ची है जिसको इनका पति लेकर चला जाता है, और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी क्या नाम है? मेरा नाम जी उपदेश है। उपदेश जी क्या हुआ था, ये कब शादी? शादी 2019 में हुई थी जी, 5 साल होगी शादी को। और अभी ये मतलब परसों 12 तारीख को ये सुबह 5 बजे मेरे घर पे आया था, मेरी बहन के साथ मारपीट करके। दो भाई थे वो, बड़े वाले जो हमारे जीजा है सुशील बलारा सोनीपत का है क्लोडत गाँव से, उसका छोटा भाई है सुमित, वो सुबह 5 बजे मेरे घर पे आए हैं, बहन के साथ मारपीट करी है, बच्ची को लूट के लेके गए हैं और धमकी दे के गए हैं कि अगर तुम में हिम्मत हो गांव में आ जाइए और बच्ची ले जाइए। हम 12 तारीख के यहाँ हमने बीटी मार दी, मैंने 12 बजे यहाँ जाके 5 बजे सुबह सुबह। उसके बाद पुलिस वाले से मेरी बात हुई, वो कह रहे कि भाई तुम यहाँ 8 बजे आ जाइए, अभी तो पुलिस वाले सो रहे होंगे, तुम 8 बजे आ जाइए कंप्लेंट डलवाने। मैं 8 बजे कंप्लेंट डलवाने आया, मैं रिटर्न कंप्लेंट दी है मैंने यहाँ। उसके बाद इन्होंने बोली है कि हम बुला रहे हैं उसे, उन्होंने 12 तारीख के पूरे दिन उन्होंने यही बात बोली कि वो शाम तक आ जाएगा, फिर इन्होंने बोली कि वो सुबह आ जाएगा। कल भी बिल्कुल पूरे दिन आया, कल हम सोनीपत गए हैं, कल हम सोनीपत 1 बजे पहुंच गए हैं, रात के हम वहां से 2 बजे हम अपने घर में आए हैं, वहां भी जाकर मारपीट करी है, मेरी बहन का हाथ में भी चोट आ गई है। उन्होंने बोली है कि अगर तुम में हिम्मत हो तुम बेटी लीजिए, बेटी हमारी, हमारा खून है। एक बात बताओ जी, 1 साल की हमारी अभी बेटी है, अभी माँ का दूध पी हुआ है। कोर्ट तो बाद में डिसाइड करेगी कि माँ के धर रहेगी बाप के धर, अभी तो पहले तो बेटी के बहन के पास ही रहेगी। पहला हक तो माँ का ही होता है जी, और वो भी 18 साल के बाद भी, 18 साल वो तो कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी बच्चा किसके पास रहेगा, पहले तो माँ को ही देगा बच्चा कोर्ट। तो 3 दिन हो गए, पहले तो 2 दिन उन्होंने बोला कि हम बुला रहे हैं कोई बात नहीं हुई, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम कंप्लेंट लिखना सका तुम्हारी, तुम जाओ सीधे कोर्ट जाओ, कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेंट लिखी जाएगी, वहां से तुम्हें बच्ची मिलेगी। मन की पहले तुम हमारी कंप्लेंट तो लिखो, मन की चलो तुम बच्ची की ना लिख रहे हो, हमारी गाड़ी भी लेकर गए तुम, चोरी की तो कंप्लेंट लिखोगे हमारी, इन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट ना लिखी, हमने इन्हें रिटर्न कंप्लेंट देकर गए, 2 दिन तो इन्होंने खूब बहका है, हम बुला रहे हैं और आज इन्होंने साफ कह दी कि भाई हम तुम्हारा कुछ ना कर सके, कंप्लेंट तुम सीधे कोर्ट में जाकर करो, बच्चा तो वही दिवाएंगे। पता नहीं एक बात बताओ जी, कोई दबाव है उनका हमारे रिश्तेदारों की तरफ से जो ये एक्शन ना उठा रहे हैं, कोई दबाव हो तो वह चीज है बताओ, क्योंकि पहले तो 2 दिन तो ये यूँ कह रहे हैं कि भाई हम बुला रहे हैं, आ रहा है, अभी तक तो आया ना एक यू। दूसरी बात, अभी कोई 10 दिन पहले मेरी बहन घर से निकाल दी दहेज के ऊपर, कैसे गाड़ी निकलवाई हमने 6 तारीख के नहीं, तो वहां ने बोली कि अपने बाप पे तो 25,000 रुपये ले लें। हमारी बहन ने कही, अपने पापा से पूछी हमने, वहाँ पापा ने कही अभी मेरे पास पैसा ना हो, तो मेरी बहन की गल मारपीट करके यहाँ ने घर से निकाल दी। रात के 11:30 बजे मुझे हमें भारत कॉलोनी मिली पेट्रोल पंप पे बैठी। अब एक बात बताओ, बच्ची बहन घर से बाहर निकाल दी, बच्ची अपने पास रख ली, कल को कहीं मर जा गिर जा, कोर्ट ये जिम्मेदार लेगी, कोर्ट जिम्मेदार लेगी।
जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन उठ नहीं रही। कल सोनीपत गए हैं, वहां का सदर थाना लगे ना, वे उठ रहे, वे कह रहे फरीदाबाद में जाओ। फरीदाबाद आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कोर्ट में, कहाँ पे जाओ जी? ना बिल्कुल फरीदाबाद में घटना हुई है ये, फरीदाबाद के तो फरीदाबाद में ही। फरीदाबाद वाले भी तो नहीं सुन रहे जी, अब कहाँ जाए? गाड़ी जो लेके गए वो किसके नाम? गाड़ी मेरे पिताजी के नाम है जी। आपके पिताजी? हाँ, अभी 6 तारीख को नई गाड़ी ली है। दहेज में सारा सामान दिया हमने, A to Z दो दो गाड़ी निकलवा दी हमने। एक गाड़ी हमने अभी कोई 1-1.5 साल पहले निकलवा के दी है, दूसरी गाड़ी अब हमने 6 तारीख को निकलवा के दी है, इसी 6 तारीख को। हाँ, जो करा रहा है ना उसकी माँ है, उसका भाई है, क्योंकि भाई हर भी आए थे हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी आएगी अपनी गाड़ी से, आए कैमरे में रिकॉर्डिंग है। दोनों भाई आए हैं, छोटे और बड़े दोनों, वो लड़ाई करके यहाँ से बहन से बच्ची को लूट के लेके गए हैं और धमकी दे के गए, जो तुम पोगे तुम कर लो, प्रशासन को साथ ले लो, काय को साथ ले लो, बच्ची हमारी है, हमारा खून है, हम ना दे रहे 1 मिनट भी। कल भी? हाँ जी, ये सब मुझे वहाँ छोड़ के भी आ गए थे सोनीपत में। अच्छा। मैं वहाँ थी, ये वापस आ गए मुझे छोड़कर, मैं उधर रूम में बैठी हुई थी, सासू ने और देवर ने आके मेरे रूम में मेरे साथ मारपीट की है, मेरे हाथ में भी चोट आई है, मेरे सर में भी चोट आई है जी। उन्होंने मेरे साथ रात मारपीट की है और बोले कि बेटी नहीं मिलेगी, जैसे होगा जैसे हम कर लेंगे, जैसे तुमसे हो वो तुम कर लो, वो बेटी देने से इनकार कर रहे हैं जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। और इस दौरान बच्ची छोटी सी है, महज 1 साल की बच्ची है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ जी, कल को बच्ची को कुछ हो जाए, बच्ची को माँ को कुछ हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन होगी, कोर्ट जिम्मेदार होगा? वो तो कोर्ट बाद में डिसाइड कर लेगी बच्ची किसके पास रहेगी। अभी तो 1 साल की है, अभी तो माँ का दूध पी रही है वो, पहले तो माँ के पास तो बच्चे को हैंड ओवर करो। 3 दिन से कैसे कोई पैसे वैसे खिला दिए क्या हो गया? जब तुम उठ नहीं रहे, पहले 2 दिन तो तुमने ये बोला कि अब आ रहे हैं, अब वो एकदम बोल रहे भाई ना हम तो तुम्हारी कंप्लेंट लिख पाएंगे और ना कोई एक्शन उठा पाएंगे। गाड़ी की कंप्लेंट ना लगी, गाड़ी भी तो चोरी हुई। चोरी की तो लिखो कम से कम गाड़ी, चलो तुम बच्ची की कंप्लेंट लिख रहे हो उसका भी हक है, लेकिन अभी तो बच्ची 1 साल की, तुम गाड़ी की तो कंप्लेंट लिखो, गाड़ी तो चुरा के लेके गए हैं। पर वो तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, बात ये है कि महज वो 1 साल की है, अभी तो 1 साल की है बच्ची, अभी तो माँ के पास रहेगी, कोर्ट भी अभी माँ को हैंड ओवर करेगा उनके ऊपर, मतलब वो इतने बड़े वो हो गए जी, वो तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट आ जाए, कोई आ जाए, बच्चा ले जाकर दिखा दियो। पुलिस वाले उठ नहीं रहे, हमने कंप्लेंट दी थी राकेश सर को, यहाँ पे आई हूँ राकेश, उन्हें कंप्लेंट दी थी हमने यहाँ पे, ना उन्होंने कुछ करा है। अब आए हैं तो है नहीं, अब ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट ना लिखे। 3 दिन से प्रशासन उठ नहीं रही, अगर उनको दबाव है ससुराल वाले इनको तो ये बताते क्यों नहीं प्रशासन बारे है। 3 दिन से भाग रहे बच्ची को लेके, अब राकेश सर यहाँ मिले नहीं है, आते जब मिलते नहीं है, फोन पे बात करते हैं, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं होगी नहीं होगी, कुछ तो हमें जवाब मिलना चाहिए जी। बिल्कुल सही बात है, बात बताओ जी, ये अभी बहन अभी दूध पिला रही है उसे, अब 3 दिन से इसने दूध नहीं पिलाया उसे, क्योंकि अभी दूध पी रही है इसने, इसकी खुद इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको कुछ हो जाए प्रशासन जवाब दे देगा, कौन जवाब देगा हमें? अभी बता दो हम यहीं बैठे हैं शाम तक, हमें आज शाम को हमारी बच्ची चाहिए, हमें मशीन से दूध निकाल रहे हैं हम, बच्ची नहीं पी है तो दूध तो निकालना पड़ेगा, बच्ची बीमार हो रही है, ये तो पीना रही होती तो अलग बात होती है, जब तो कल भी रात 2 बजे हम मशीन से दूध निकाल रहे हैं, इसको बुखार है, चोट लग रही है, ये हाथ में चोट लग रही है, कल भी उसकी सास ने मारा है, निशान है, अंदर लेके जाए, सर में भी, सर में भी गुम चोट वगैरह है, अरेंज में, हाँ अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन 5 साल से मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, क्या लेके आई दहेज में, क्या दिया तेरे बाप ने, नंगड़ घर से आ गई है, भूखे घर से आ गई है, बस यही रहता है उनपे, तीसरे दिन मेरा सामान बाहर फेंक देते हैं, चौथे दिन मुझे घर में घुसा लेते हैं, फिर तीसरे दिन मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो निकाल क्यों दिया था दोनों को, क्यों निकाल दिया था? बस ऐसे निकाल देते हैं कि घर से क्या लेके आई थी, हमारे पास मत रहे, हमारे पास हम नहीं रखेंगे अपने साथ तुझे, तो मतलब ये आपका पति भी मिला हुआ है उनके साथ, उन्हीं के साथ, जब हमारे मम्मी पापा उनका साथ देते हैं तो रहता है वो मेरी मम्मी पापा के साथ, और उसके मम्मी पापा उसको कुछ बोल देते हैं तो वो अपनी मम्मी पापा के पास, वो बिल्कुल भी नहीं देखता कि मतलब फैमिली बिगड़ रही है नहीं बिगड़ रही, और इसमें हाथ है जी मेरे देवर का, मेरे ससुर का और मेरी सास का, सास सबसे पहले है जी, उन्होंने मेरा घर बिगड़वाया है। पति करता क्या? ट्रांसपोर्ट में काम करता है, गुड़गांव गाड़ी चलाता है, दारू पी पी के, और गुत है, ससुर भी दारू पी पी के गुत है, दारू पीता है वो, आप देख सकते हैं फरीदाबाद परिवार है, परेशान है, 3 दिन से लगातार जैसा बता रहा है कि महज 1 साल की बच्ची है जिसको लेकर इनका पति चला गया है, और जैसा कि बता रहे थे गाड़ी भी ले गया घर से, है 3 दिन से बच्ची परेशान है, प्रशासन उठ नहीं रहा, क्या है ये लेडीज के लिए क्या कर रही है प्रशासन? वैसे खुद है? बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर क्या रही है, बच्ची मर जाएगी जो ये मर जाएगी, प्रशासन सबसे पहले जाएगा भाग के, जीते जीते कुछ हो नहीं रहा, मरने के बाद सब काम हो जाएंगे। ऐसी प्रशासन है, जब तो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है कदम कदम पे, ऐसी प्रशासन है तभी तो,
प्रशासन से नाराजगी है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि लगभग 3 दिन से यहाँ भाग रहे हैं, अपनी कंप्लेंट दी, दरखास्त दी यहाँ, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई है और लगातार इनको यहाँ से निराश करके भेजा जा रहा है और इनको लगातार कहा जा रहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब आज ये पहुँचे यहाँ, तो आज पहुँचे तो क्या कहा फिर? आज बोल दे कि हम कंप्लेंट ना लिख पाएंगे तुम्हारी, कोर्ट में जाओ, वहाँ बच्ची तो उनकी है। वो ये बोल रहे हैं कि कोई केस नहीं बनता, FIR किस बात की दर्ज करें हम? वो यही बोला राकेश जी ने, कोई केस नहीं बनता, हम नहीं करेंगे, कोर्ट में जाओ, अपना कोर्ट में कराओ, ये बोल रहे हैं। चोरी का भी कोई केस नहीं बनता, ना बेटी का बनता है। तो फरीदाबाद पैसा लेने के नहीं आ गया प्रशासन, सिर्फ तनख्वाह लेने के नहीं होगा? जब चोरी की भी केस ना लिख रहे तो प्रशासन किस चीज की केस लिखेगी? समस्या है, परेशानी है, तो कम से कम उसका समाधान तो करें, वो FIR तो करो। 12 तारीख से 12 तारीख की सुबह 5 बजे थे और कल पूरे 13 तारीख की रात तक वो बुला रहे, और अब एकदम ऐसा कौन सा दबाव पड़ा जो अब हमारी एप्लीकेशन भी ना लिखी जा रही है? और जो हमने लिखी है तो वो एप्लीकेशन कहाँ हमारी? जो हम खुद कॉपी नहीं दी, ना कोई फोटोकॉपी दी, ना कुछ। हमने BT मारी थी सबसे पहले, हमने BT मारी सुबह 5 बजे 12 तारीख को, उसके बाद हम 8 बजे यहाँ आए हैं। मेरे पास नंबर भी है उनका, जिनसे मेरी बात हुई है, BT वालों का भी नंबर है मेरे पास। अब ये तो बताओ, 2 दिन तो वो बुला रहे थे, अब क्या हुआ? लेके गए थे 12 तारीख को सुबह 5 बजे। तो रात को आए थे, सुबह ही आए थे? वो रात को हमारे पास रुके थे, आज उन्हें सुबह आया था। सुबह देवर आया था जी, हम रात को मम्मी के घर रुके हुए थे, हमें सोनीपत के लिए निकलना था। मैं अपना फर्नीचर लेके आ रही थी इधर रहने के लिए ही, क्योंकि मेरे पास इधर सामान नहीं था। मन का हम सामान लेके आएंगे, तो वो तब हमारा झगड़ा हुआ है, तब वो मेरे साथ, मतलब मेरे देवर ने और मेरे हस्बैंड ने मारपीट की है, छीना छपटी की है, मेरे पापा का और इनका घरमान पकड़ा है, मेरे भाई का धक्का मुक्की करके बेटी को छीन के और ले गए, और फिर बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे तुम्हें, ऐसे बोलते। और गाड़ी भी ले गए जी। गाड़ी तो बोले हमारी है, गाड़ी का है, गाड़ी हमारे नाम से है जी। चोरी की तो कंप्लेंट लिखो, गाड़ी तो लाके दो हमें। चलो बेटी तुम्हारी है, चलो बेटी का हक दोनों तरफ है, गाड़ी तो हमारी, गाड़ी तो लाके दो। तो आप समझ सकते हैं, परेशान है परिवार, और लगातार 3 दिन से चक्कर काट रहा है पुलिस थाने के, यहाँ से कोई भी आस नजर नहीं आ रही इन्हें। और लगातार आज इनसे बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी कोई कंप्लेंट नहीं बनती है, कोई FIR नहीं होगी, आप कोर्ट में जाएं और वहां से कार्रवाई करें। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी चोरी हुई है, उस गाड़ी चोरी की भी FIR तो करो कम से कम, लेकिन वो भी नहीं हो रही। और जैसा कि बता रहे हैं कि दहेज का मामला है, लगातार पीड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, और कहा जाता है घर से पैसे लाने के लिए। और अभी बेटी महज 1 साल की, जिसको यहाँ से लेकर चले गए और इनकी गाड़ी लेकर गए और मार पिटाई किया घर में। तो फरीदाबाद देखते हैं इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं जी? क्या हमें तो जी हमारी बच्ची चाहिए, समय पहले हमें गाड़ी भी ना चाहिए, समय पहले चाहिए बच्ची। हाँ, क्योंकि दोनों की जान को खतरा है जी, वो दूध नहीं पिएगी जब भी दिक्कत है, और ये नहीं पिलाएगी तब भी दिक्कत है। तो आप समझ सकते हैं, एक महिला है, और अगर महिला अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो आप समझ सकते हैं बच्चे को भी कितनी दिक्कत हो रही होगी, वो कैसे रह रहा होगा। और महिला को भी दिक्कत होती है कि जैसा कि बता रहे थे कि मशीन से दूध निकाला जा रहा है, और परेशान है, कल को कुछ बात हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।